नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कृषि कानूनों को लेकर कहीं किसी प्रकार की रेल पथ व सड़क पथ बाधित न हो, इसको लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र व पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने पुखराया रेलवे स्टेशन तथा अन्य प्रमुख स्टेशनों व प्रमुख मार्गों पर भ्रमण किया। साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि किसान संगठनों की ओर से 4 घंटे के लिए रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। किसानों के इस आंदोलन को देखते हुए रेलवे व जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। किसी भी अनहोनी की आशंका को देखते हुए भारी सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। रेल रोको अभियान दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चलाया जाएगा। वहीं पुखराया रेलवे स्टेशन पर किसान संगठन को उपजिलाधिकारी भोगनीपुर दीपाली भार्गव व क्षेत्र अधिकारी द्वारा सभी से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। जिलाधिकारी ने सभी किसान संगठनों के सदस्यों व किसानों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की है। फरवरी 2021 को भारतीय किसान यूनियन के द्वारा 12 से 4 बजे के मध्य स्टेशन पर रेलवे रोकने और सड़कों पर यातायात रोकने का आह्वान था, लेकिन जनपद कानपुर देहात में पुलिस अधीक्षक श्री केशव चौधरी जी के नेतृत्व में और मैं जिलाधिकारी कानपुर देहात, हम लोगों के आपसी सौहार्दपूर्ण संवाद से अभी पुखराया स्टेशन पर देख सकते हैं ये पदाधिकारी हैं, काफ़ी सक्रिय पदाधिकारी हैं और बहुत ही संवेदनशील भी हैं। इनसे बातचीत की गई और उपजिलाधिकारी भोगनीपुर सीओ भोगनीपुर ने प्रयास करके इनको समझा बुझा कर यहाँ पर ये जो आगे जाने का प्रयास कर रहे थे इनको रोका गया और मैं इनकी इस सहृदयता के लिए इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने राष्ट्रीय संपत्ति को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, आने वाले यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, आवागमन में कोई बाधा ना हो, इस हमारे बात को स्वीकार किया है। मैं पुनः एक बार आभार व्यक्त करता हूं। और मन्ना जी हमारे बीच में बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं, इनसे कहूंगा कि 2 लाइन जो ये हमेशा गीत गुनगुनाते हैं वो 2 लाइन सुना दो। आइए 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 मोटे मोटे गद्दों पर अनमने होते जिन्हें देखा, आवा पड़ा समय तुमको दिनों पर सोचे देखा। है जग में वही जो नम्र भाव दिखलाता है और फल वाला तर पर फलता है, नीचे तो झुकता जाता है। जय जवान जय किसान। लेकिन साहब की हमारी ललक थी, आपके दर्शन हुए, मैं बहुत खुश। आप बहुत संवेदनशील और बहुत अच्छे आदमी हैं और निश्चित रूप से लोकतांत्रिक देश में अपनी बात कहने का अधिकार है और जो आप कहते हैं हम उसको सुनते भी हैं और उस पर कार्रवाई भी करते हैं, इसलिए हम आपसे हमेशा संवाद बनाकर ये प्रयास करते हैं कि कोई ऐसी घटना ना हो जिससे कि राष्ट्र की क्षति हो और यात्रियों को असुविधा हो। आपने पुनः इस अनुरोध को स्वीकार किया है। मैं पुलिस कप्तान साहब की ओर से और जनपद कानपुर देहात के सभी अधिकारियों की ओर से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। और उपजिलाधिकारी दीपाली और सीओ प्रशांत जी से अनुरोध करूँगा कि इनको सम्मान सहित आप अपने पास बैठाए रखिए, चाय पानी नाश्ता सब कराइए।